नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं फोकस टी पॉइंट, मैं हूँ सोनिया। इस समय की घटना आपको बताऊं, कुछ दिन पहले, आज से लगभग 6 दिन पहले, गौशाला मोहल्ला रोड पर एक नगर पालिका के दरोगा और बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसके चलते वह जो दरोगा है वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार उनका निजी अस्पताल में चल रहा है। और जो दूसरे बीच बचाव करने के लिए एक व्यक्ति आए थे वो सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको बता दें कि यह जो जानलेवा हमला हुआ एक गलत फहमी के चलते हुआ था, जिसके बाद जो दरोगा हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और उनका उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। ये हॉस्पिटल में है जी, मेरा घर वाला ये है, दरोगा है जी, हाजिरी पे हाजिरी लगाते हैं और हाजिरी पे 2:30 बजे की बात है जी, 2:30-3 बजे की बात है, पता नहीं है तो बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं। इनका कोई कसूर ही नहीं है, ना कोई हमारी किसी से दुश्मनी है, कोई भी बात नहीं है किसी से। हम तो किसी से जानते भी नहीं है, कौन मार के गया कौन नहीं था वो, हम तो घर थे सारे, हमें तो बाद में पता लगा है जी। तब तो इनको मार को डाल गए थे मार के इनको, जब कोई पता लगा है तो जब उनको उठा के हॉस्पिटल में लेके आई हैं जी। आज 5वां दिन है, कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, पहले सरकारी में ले गए हैं जी, सरकारी में से रेफर किया था, इधर लेके आए थे, उधर से फिर इधर लेके, तीसरा हॉस्पिटल है जी हमारा। पुलिस अब तक भी नहीं आई है हमारे पास। आपकी तरफ से कंप्लेंट की गई है? हाँ जी, की गई है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी। जो और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं? हाँ जी, सामने आ रहे हैं जी, उनके भी हमने नहीं देखे लेकिन बताते हैं लोग। हाँ जी, वो देखो जी, हाँ बहुत कैमरे लगे हैं, पुलिस का वो बनता है जी, वहाँ पे चेक करो जाके। कितने लोग थे टोटली, कुछ पता? हमें नहीं पता जी कितने लोग थे, हमें पता ही नहीं है। हमें तो हमारे बंदे को बचाने के में लगे हुए थे, हम वहाँ थोड़ी ना वो करें, तुरंत हॉस्पिटल में लेके आई हैं जी उनको। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं जी, जो अपराधी है ना उनको सजा मिले जल्द से जल्द। अगर जब नहीं पुलिस कार्रवाई करते तो हम कहीं भी DSP के SP के कहीं भी हम कहीं हड़ताल करेंगे, तो हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे जी, और उनको सजा मिले, जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगे जी, हमें जाना पड़ेगा। हाँ जी, अब तक पहुँच नहीं है जी, 5 दिन है आज। चोटें जी हमें मालूम नहीं है, मैं तो खाना खा के, नथुराम दरोगा जी है हमारे एरिया के, दरोगा जी हैं, उनसे अच्छा प्रेम प्यार है, और मैं लीवर का मरीज हूँ, मुझे तकलीफ है, 2-3 सालों तकलीफ चल रही है मेरे को, मैं घर पे रहता हूँ, कभी बाहर आता नहीं, किसी को रंजिश नहीं थी, किसी झगड़ा नहीं था। नथुराम जी ने, मैंने नहा के बाहर निकला खाना खा के, नथुराम जी मेरे को आवाज़ मार, लीवर आओ फ्रेंड साहब बैठ जाओ, मैं बैठ गया जी, बैठे रहे बातें करते रहे, अचानक से 3 बंदे आए जी, मुँह पर रुमाल बांध रखी थी उनके हाथ में, तीनों गंडासी थी, आते पहले बारी नथुराम जी के सिर में, यहाँ पे जो मैंने कहा मेरा क्या कर रहे हो, तो नथुराम जी तो भी उसको पड़ गए थे, उन्होंने फिर मेरे को चंगी से कुटिया, मेरी बीसी के बाल बुल पकड़े उन्होंने, फिर रोड वाले आए नहीं, रोड वाले इसलिए नहीं आए, सब गया हथियार था, देखो हथियार क्या कोई नहीं आता, इसलिए देखो हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस शाम को ही बयान लेगी, अभी तो कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस वाले हमें कहते हैं क्या बताओ, हमें पता होता तो पुलिस किस लिए जी, बताओ। CCTV फुटेज भी सामने आई है सुना, हमें पता है, मैं तो जा ही नहीं पा रहा जी कहीं, नथुराम जी भी बेहोश हैं, या तो उनसे पता लगे अभी कुछ, उनका कोई जानकार है, या मेरे को तो पता नहीं इस बात का। हाँ, रोड पे कैमरे लगे हुए हैं जी, ये काम तो पुलिस का है, ऐसे गुंडागर्दी चलती रहेगी तो कैसे आम आदमी दुकानदार कैसे काम करेगा, ये बताओ। नथुराम तो बहुत बढ़िया आदमी, भगवान वर्ग आदमी, नथुराम वो देवता वर्ग आदमी है जी, नहीं जी मेरी कोई किसी रंजिश नहीं है, MLA कट चुकी है जी। हॉस्पिटल की तरफ से सारी हॉस्पिटल से जी, देखो मेरे को आज सोमवार से ऑपरेशन हो रहा है, मेरे यार डिफेक्चर है मेरे, हॉस्पिटल वाले सोमवार तक, आज देखो आज 5 दिन हो गए कपड़े को, टिक्कल लगा जाते हैं, पट्टी बांध जाते हैं जी, अभी तो मैं चल नहीं सकता, उसी बेड पर लेटरिन करता हूँ, यहीं टॉयलेट करता हूँ, यहीं पेशाब करता हूँ, देखो आगे मैं भी इंसान हूँ जी, उनको ये सरकारी हॉस्पिटल किस लिए बनाया जी, हमारी सेवा के लिए जी, डॉक्टर देखने आते हैं, दवाई देते चले जाते हैं जी। डॉक्टर ने कुछ कहते हैं, बोले एक्सरे आते थे, एक्सरे करा देते जी, 3 एक्सरे मैंने करवा लिए, पहले दिन आए बोले इनकी DTC बोल रहा हो अपने, क्या बोलते हैं जिसको अपना पूरे शरीर की CT स्कैन कर, वो भी हमने करा लिए जी, तो मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसा मेरे पास है नहीं जी, अब प्राइवेट में जा नहीं सकता, और अब ऑपरेशन भी तो मेरा हुआ नहीं जी, मेरी टांग में सोजू देखो कितनी आ रही है आप। नहीं कुछ नहीं पुलिस उसके बाद आई नहीं, संभाले नहीं हमें, कोई बात नहीं, ऐसे कोई नहीं हो रहा जी, हमें इंसाफ दिलाओ जी, हमें इंसाफ चाहिए, मुझे नथुराम इंसाफ चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे हमें अपराधियों का पता है या नहीं पता,
लेकिन पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को कवर करके, पुलिस तो कार्रवाई कर सकती है, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही इसके ऊपर, क्योंकि हमारा पेशेंट इस टाइम आईसीयू में है। हम अब अपने पेशेंट को संभाल रहे हैं, अब उनके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस का तो ये ड्यूटी है, ठीक है, कि उनके ऊपर फोकस करे। वहाँ से फुटेज लेके, सीसीटीवी फुटेज सरकारी भी और प्राइवेट कैमरे भी है, वहाँ से लेके उन इंसानों को पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, ठीक है। और मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी अधिकारी हैं पुलिस के, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, नहीं तो आज इनके साथ हुआ कल को किसी भी साथ हो सकता है। लोग वो खुले घूम रहे हैं बिल्कुल, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना उनको कोई असर हुआ, कुछ भी नहीं है। तो मेरी पुलिस से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। कितने लोगों को पीट कर गए हैं वो? दो लोगों को पीट कर गए हैं, मत ये सीरियस है, और दूसरे हैं उनको भी काफ़ी मेजर चोटें लगी हुई है। उन वो है अपने सरकारी हॉस्पिटल में, राजकुमार सैनी नाम है उनका, राजू, उनके भी काफ़ी चोट लगी हुई है, जिनके घर के बाहर ये सब झगड़ा हुआ है, उनको भी बेकसूर मार के गए, उनका भी कोई झगड़ा नहीं था, कोई भी रोला नहीं था उनका। सीरियस हालत के चलते अब तक कितने हॉस्पिटल हैं जो चेंज कर चुके हैं? हम सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल, उसके बाद सिटी न्यूरो, उसके बाद अभी हॉस्पिटल में आए हम, और यहाँ पर कल ऑपरेशन हुआ है उनका, और यहाँ भी हालात उनकी बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक हालात है, कुछ भी नहीं कह सकते। मेरा नाम चेतराम है जी, मैं नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हूँ, और ये जो घटना घटी है सोमवार की दोपहर 2:30 बजे हमारी हाजिरी लगती है गौशाला रोड पर, तो भाई साहब हमारे सुपरवाइज़र थे, और 2:30 बजे हाजिरी छोड़ के कुछ सफाई कर्मचारियों को इधर उधर साइड में लगा दिया और 10 मिनट वहाँ चाय पीने के लिए बैठ गए। तभी कोई पता नहीं कहीं से कोई शरारती तत्व आया, और अचानक ही बैठे थे हमारे भाई साहब, तो उनके चोट मार के निकल गए। हमें पता लगा थोड़ी देर बाद में, कम से कम 10-15 मिनट बाद में पता लगा, तो वहाँ हमारा स्टाफ सारा इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद फिर इनको हॉस्पिटल में लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल में, और आज 11 तारीख होगी, आज 12 तारीख होगी, इसके उपरांत इनका इलाज चल रहा है, और प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम तो यही चाहते हैं प्रशासन अपने लेवल पे कार्रवाई करे, अगर प्रशासन सही ढंग से नहीं कार्रवाई करती है तो हम सोमवार तक का वक्त देते हैं इनको, सोमवार तक का वक्त देते हैं, अगर ये ढंग से कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पूरे शहर के अंदर स्ट्राइक कर देंगे, इसकी जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा, बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ। क्या कोई पुरानी रंजिश? नहीं जी, कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ना ही कोई, हम उनको जानते हैं अभी कौन है कौन नहीं है, कहाँ से आए हैं, हमें इस बात का कोई पता नहीं है, और हम तो हमारी सफाई में ध्यान दे रखे था, हमने कोई कर्मचारी आदमी ये तो है नहीं, हम कोई किसी के साथ दुश्मनी करेंगे या किसी के साथ कोई मारपीट, हमारा कोई काम नहीं है, हम तो हमारी ड्यूटी पर थे, और ड्यूटी करते समय ये घटना घटी है, और इसकी तुरंत कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती है फिर हम अपनी लेवल पर हड़ताल करेंगे और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मौके पर पुलिस पहुंची थी? नहीं जी, कोई नहीं पहुंचा, हमारे स्टाफ ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मौके पर कोई पुलिस नहीं आई थी, पुलिस तो अभी तक नहीं आई है, पुलिस ने अभी तक कोई हमारे मतलब कर्मचारी लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि कोई कौन था कौन नहीं था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कितने दिन हो चुके हैं ये जी? आज पाँचवा दिन है, पाँच दिन हो गए, हमने तो ये थोड़ा सीरियस है इसलिए हमने थोड़ी कार्रवाई के लिए छूट दे रखी है प्रशासन को ही, और प्रशासन ढंग से कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सोमवार को स्ट्राइक कर देंगे पूरी जिले की। वहीं जब इस विषय को लेकर SHO सिटी विक्रम सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि अपराधियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं जब इस विषय में SHO सिटी विक्रम सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि अपराधियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।